नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सियासी जंग जीतकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौटी तो तीनों ही राज्यों में अपने पुराने शत्रपों की जगह नए चेहरों को मुख्यमंत्री का दाव चला। बता दें, कांग्रेस भले ही तीनों राज्यों में चुनाव हार गई हो, लेकिन बीजेपी के फॉर्मूले पर वो भी चलकर अपने पुराने शत्रपों को किनारे लगाना शुरू कर चुकी है। कांग्रेस ने एमपी में पार्टी की कमान कमलनाथ से लेकर जीतू पटवारी को सौंप दी है, तो नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा उमंग सिंघार और उपनेता हेमंत कटारे को बनाया है। इस तरह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हाईकमान ने भूपेश बघेल की जगह चरण दास महंत को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। राजस्थान में कांग्रेस ने अभी तक भले ही कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि कमलनाथ बघेल की तरह अशोक गहलोत को भी किनारे लगाने का स्ट्रेटजी बना चुके हैं। पिछले ढाई दशक से राजस्थान में वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के इर्द गिर्द बीजेपी की सियासत सिमटी रही। उसी तरह से कांग्रेस में भी तीन शत्रप काबिज थे। राजस्थान में अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह कमलनाथ और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल टीएस सिंहदेव कांग्रेस के चेहरे थे। बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने इन्हीं शत्रपों को आगे रख कर चुनाव लड़ती रही, जिसके चलते पार्टी की नई लीडरशिप खड़ी नहीं हो पा रही थी। लेकिन बीजेपी चुनावी जंग जीतकर और कांग्रेस ने हारकर पुराने चेहरों को किनारे किया है। बीजेपी ने इस बार सीएम का चेहरा किसी को घोषित नहीं किया था। पार्टी ने पीएम मोदी के नाम पर तीनों राज्य में चुनाव लड़ा। ऐसे में चुनावी जंग जीतने के साथ ही तीनों ही चेहरों को एक झटके में बाहर कर दिया और उनकी जगह एमपी में मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय और राजस्थान में भजन लाल शर्मा को सीएम बनाया गया है।